अभी मौलवी साहब हैं जो कि राम मंदिर जो बन रहा है, बनकर तैयार है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, मोदी जी जाएंगे और मोदी जी का देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने फोटो ले रखा है। देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और राम मंदिर के लिहाज से जो यकीनन पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में ये न्यूज़ जा रही है, तो यहाँ पे एक बड़ी तादाद में वो समझिए कि सनातन धर्म और उस धर्म के लोग हैं, तो उनका वो पवित्र यानी यूँ कह लिया जाए कि पूजा घर मंदिर है, तो उसमें वो जाएंगे और यकीनन जाए। इस मौके से फिलवक्त चंद लोग जो चुटपुटिया सब होंगे जो किसी तरीके से खुरफाती पहुंचा रहे होंगे, तो प्रशासन का काम है कि वो ज़रा सतर्क रहे और उन पर ज़रा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और आप लोगों के बीच सनातन धर्म से भी ताल्लुक रखने वाले जितने भी भाई वहाँ जाएंगे उनसे भी अनुरोध है कि चूँकि इंसान एक मर्द एक औरत से सारे संसार को ईश्वर ने बनाया है, तो यकीनन कोई भी हो किसी को खुराफाती वगैरह या किसी को बेजा नाहक किसी पर आप रास्ते में जुल्म न करें। तादाद को देखते हुए यकीनन एक बड़ी तादाद जो बड़ी लंबी तादाद है, छोटी तादाद की हिफाजत की जिम्मेदारी उस बड़ी तादाद पर होती है कि आप एक मौलवी है, अब मौलवी होने के नाते आप राम मंदिर को नहीं यकीनन मैं हरगिज़ यकीनन मौलवी और अपने धर्म के लिहाज मैं कह रहा हूँ किसी धर्म मेरा नहीं जाना है। कार्यकर्ता और सियासत का होना अलग चीज़ है। यकीनन मैं कार्य करता हूं और मैं चाहता हूं और मैं उसके लिए काम करता हूं कि 24 से ही मोदी जी आए, लेकिन आप जिस तरीके से आप मुझे ये कहेंगे कि मंदिर के में जाकर के आप भी एक पूजा अर्चना फलाना ये वो, ये हम नहीं, क्योंकि धर्म जो जिस धर्म पर है वो उसी धर्म पर रहे और उसी धर्म पर मर मिटने के लिए तैयार रहे। क्योंकि एक जुमला आम मैं कहा करता हूँ अक्सर कि हमारे आपकी जान को खतरा हो तो ईश्वर खुदा के नाम पर कुछ देकर अपनी जान को बचाया करो, और धर्म को खतरा हो तो जान देकर अपना धर्म बचाओ। तो यकीनन इस वक्त सिर्फ जो ये चर्चा चल रही है कि बड़ी तादाद में जाएंगे लोग, तो यकीनन शांति के साथ और प्रशासन की और देश के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अपने देश में छुटपुटिए कुछ लोग हैं जो इधर उधर शांति को बिगाड़ सकते हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त यह है कि कोई किसी को नुकसान न पहुँचाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज़ को कहा है और इस तरीके से आपका पूजा अर्चना का यानी मंदिर बन चुका है तो आप शौक से जाएँ, लेकिन मैं मस्जिद में जिस धर्म के लिहाज से हूँ उस धर्म का मैं मानने वाला भी हूँ और छोटा मोटा धर्मगुरु भी हूँ। अगर कोई आदमी अगर धर्मगुरु रहे या कोई भी रहे, अगर इस देश में इससे हटकर भी अगर वो चाहे कि मस्जिद में भी चला जाए, मंदिर में भी चले जाए, गिरजाघर में भी, तो वो जा सकता है, संविधान आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन धर्म के लिहाज से जो पूजा अर्चना होती है कोई एक ही को करेंगे, तो इस लिहाज से मैं मुस्लिम धर्म का हूँ, दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने धर्म में नहीं ले जा सकती। अच्छा, देश भर के मुसलमान जो है राम मंदिर को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपको? नहीं, जो चर्चे इधर उधर हो रहे हैं तो मुसलमान भाइयों को आप कुछ कह दीजिए, क्योंकि आप मौलवी हैं। मैं किसी को भी, मैं देखिए मौलवी भी नहीं है, मैं बड़ा रास्त में जब बात करता हूँ भारत की धरती पर और किसी भी मीडिया वाले से, तो मैं अपने आप को सिर्फ इंसान समझता हूँ। मैं मुसलमान भी नहीं समझता, हिंदू भी नहीं समझता, इंसान हूँ मैं सिवाय इंसान के। इसलिए मैं कहता हूँ जब इंसान आप बनिए, हिंदू भी उस, अगर जो हिंदू होगा वो इंसान भी होगा, जो मुसलमान होगा वो इंसान भी होगा, तो इंसान बनिए और फिर आपको जिस धर्म पे के मानने वाले आप धर्म के बनिए, कम से कम इंसान। हमारे मुल्क के मंदिर का विरोध कर रहा है ऐसा आरोप लग रहा है मुसलमान भाई, हमारे मुल्क के अच्छे प्रधानमंत्री रहे, जो आरोप लग रहा है जो से वीडियो भी वायरल होता है, तो कहते हैं ऐसा कि राम मंदिर जो है मुसलमान भाइयों को पसंद नहीं है, बाबरी मस्जिद को हटाया गया, तो मुसलमान भाई कहीं ना कहीं उससे नाराज है, इसको लेकर क्या? नहीं, कुछ लोग नाराज, लेकिन बहरहाल अक्सर लोग जो ने इस चीज़ को माना है, बड़े बड़े धर्म गुरु ने भी, कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले भी फैसला हो चुका था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसे मानेगा, और यकीनन यहाँ के कोई मुस्लिम इधर उधर नहीं अब कर रहे हैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया। और मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल्ला बोर्ड के नायब सदर मौलाना कल्बे सादिक जो दुनिया से चले गए, उन्होंने कहा था कि अगर राम मंदिर का यानी बाबरी मस्जिद जो है मुसलमानों के हवाले भी कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट कर दे, तब भी मुसलमानों को चाहिए कि उसकी ज़मीन हिंदू भाई को दे दे। अभी फैसला नहीं हुआ था तभी ये धर्मगुरु कह के गए थे, कहा ताकि दोनों में शांति बना रहे। ये बहुत इधर जो भी जिसकी इबादत करेगा, मेरी और हम मुसलमानों के यहाँ जो इबादत होती है वो इस तरीके से सुनिए कि अल्लाह का महकूम है, अल्लाह का बंदा, सूरज किसी ताकत के सहारे नहीं चलता, अब मस्जिद भी मिटा दोगे तो अल्लाह रहेगा, ये नाम बिल्डिंग के सहारे नहीं चलता। हाँ, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आज से, और मैं मीडिया में देख रहा हूँ जाने का, यकीनन एक बड़ी तादाद और कुछ लोग ईश्वर खुदा के नाम पर जो दान करते हैं वो दिल से करते हैं, तो एक बड़ी तादाद बस और ट्रेनों का भी खर्च बर्दाश्त करेंगे तो बहुत सारे श्रद्धालु जो है वहाँ जाएंगे। लेकिन उस वक्त प्रशासन की भी और उसमें भी जो धर्मगुरु लोग जो सनातन धर्म के उन पर जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को बताए जाते हुए, चूँकि बेपढ़ा लिखा भी बहुत ज़्यादा होगा, कि शांति बनाए, इंसान को नाहक आप नुकसान न पहुँचाए और अपनी जो इबादत है
यकीनन इबादत शौक से करे जो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के कुछ ऐसे विधायक नेता भी पैदा ले लिए हैं जो कहते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं था, तो राम को लेकर मौलवी साहब क्या सोचते हैं? हाँ, मैं उस लिहाज से जो मैं देख रहा हूँ, जो आप कहना चाह रहे हैं अभी सवाल, मैं दो शेर हमेशा कहा करता हूँ, आपसे भी कहा हूँ कि सियासत को लहू पीने की लत है। अरे सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। तो सियासी लोग कुछ इधर उधर करते हैं, वरना इंसान न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद इंसान बनेंगे। वही मैं आपसे सवाल है, राम के अस्तित्व को सवाल उठा जाता है, अस्तित्व पे सवाल उठा जाता है, तो एक मौलवी साहब राम के अस्तित्व को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी मेरा मतलब कहता है कि किसी भी धर्म को बुला बुला ना कहो, तो यकीनन वो नहीं जो आप में है और आप ही के लोग कर रहे हैं, यानी उसी धर्म के, जिस धर्म की बात आप कर रहे हैं वही धर्म के सियासी लोग कह रहे हैं। तब मुझे एक चीज़ याद आती है कि खबर ले अपनी तबाही का कि तेरे आंगन में उतर चुका है बड़े इंतशार का मौसम, यानी आपका अपना ही अगर उसमें ये हो तो आपको खुद ही संभालना होगा। लेकिन हम जिस मजहब के मानने वाले इस्लाम, वो मजहब कहता है कि किसी भी मजहब वाले को बुरा वाला मना कहो, और कोई भी कुछ कर रहा है अपनी अपनी पूजा स्थल तो उसको कुछ भी डिस्टर्ब ना करो। तो ये इस्लाम का संदेश खुद ही है। मैं आपके माध्यम से ये जुमले कहने जा रहा था कि देश के अच्छे प्रधानमंत्री एक रहे जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था बवांगे दौर, आज भी जाके देखें गूगल और यूट्यूब वगैरह पर दौड़ता है ये उनका भाषण, कि आज इंसान हवाई जहाज में और हवाओं में सफर करना तो सीख गया और पानी में भी तैरना सीख गया, लेकिन इंसान की तरह जिंदगी गुजारना उसे नहीं आ रहा। तो देखिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जुमले, तो इंसानियत की भू बांस रहनी चाहिए। आप तो बोल रहे हैं राम मंदिर पे लगातार बोल रहे हैं, लोग कमेंट करेंगे, आप ही के समुदाय के लोग कमेंट करेंगे कि मौलवी बिक गया है। नहीं नहीं, कहने के मैं सिर्फ बोला अपने धर्म पर, दुनिया की कोई ताकत बिक गया है, दुनिया की ताकत मुझे अपने धर्म से इधर उधर नहीं कर सकती है। अब रहा मैं भारतीय जनता पार्टी का दमदार कार्यकर्ता हूँ, इस लिहाज से विपक्ष वाले को ये जुमले फिर से आप ले जाइए गंगा किनारे, वो जुमले मैं लेना चाहता हूँ कि, और मोदी जी ने संसद में कहा था कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, लेकिन कमाल ये है कि फिर भी तुम लोगों को यकीन नहीं। इस वक्त यकीनन मोदी है तो मुमकिन।